वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप व्यू देखकर बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ या कहाँ जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ मायके और बस से मैं जा रही हूँ। कब आई, कैसे आई वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए पहले चलते हैं मायके, साथ के साथ आपको व्यू भी दिखाते चलते हैं खूबसूरत सा। और अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, कुर्तियाँ परचेज़ करना चाहते हैं, बेडशीट परचेज़ करना चाहते हैं, कुछ भी आप परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर के लिए, खुद के लिए, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि मेरा लिंक करके है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको ढेर सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो चलिए अब पहुँचते हैं पहले मायके और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। धाटू गिर गया दे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्टार्टिंग में ख़राब कर दे व्लॉग मेरा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं हूँ मायके में, मैं अभी अभी पहुँच रही हूँ। जैसा मैंने आपको व्यू दिखाया, ये कल पहुँच गई थी। एक्चुअली जो हम लोगों ने वीडियो एंड किया, उसके बाद हम लोग शिमला गए, रात हो गई थी। और शिमला में एक दिन हमने खूब अच्छे से स्पेंड किया, कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने ना इसने, क्योंकि ये तो बहुत कम ही बनाती है। बट उस दिन हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, हमने खूब अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ किया, खूब गप्पे, क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। और उसके बाद हम लोग सब लोग आ गए घर, मेरे घर, और जीजा जी चले गए ड्यूटी मंडे को सुबह, और कल ये इधर आ गई थी। मेरे को फिर मम्मी पापा के साथ जाना पड़ा मार्केट, और अभी मैं इधर आ गई हूँ। तो पता ही नहीं लग रहा कब किधर जा रहे हैं। जिंदगी भटकता हुआ ढोल हो गई है, इधर उधर ढोल भटकता है। हाँ, मतलब लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ ढोल हो गया। तो अभी मैं पहुँची हूँ, मतलब 4 बजे वाली बस में मैं आई हूँ। क्योंकि मैं आज इसलिए आई क्योंकि सामान वगैरह था, वो मुझे आज लेकर आना था, वो आज ही मिलना था। ये कल मम्मी पापा के साथ आ गई थी जब मम्मी पापा मार्केट आए थे, और परसों रात हम बहुत लेट पहुँचे थे, तो कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई एंड नहीं हुआ। बस मक्की लगी नहीं है यहाँ पर, ये छोटी है बेबी, अभी देखी मैंने पिछली बार, ये ऐसे ही लगता है, ये बड़ी अंदर से खाली होती है ये। तो शाम के टाइम बहुत ही अच्छा इधर नज़ारा है, और अभी इसने मुझे चाय पिलाई है, और अब ये कद्दू की सब्जी बनाएगी। अब इसने मेरा मतलब, और मैं बनाऊंगी चटनी और चपाती, ये बनाएगी कद्दू की सब्जी। आते ही बोल रही है कि दीदी कद्दू की सब्जी आप बनाओ, जबकि आती है इसको अच्छी तरीके से। मुझे नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, मैं दुखी होगी। काम चोर, कपड़े दे मुझे, कपड़े मांग मम्मी, मम्मी को बोल वो कल का पीला सूट लाएगी मम्मी का। ठीक है, बच्चे जो हैं वो अंदर हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, मैं गई थी मैं आज गर्मी में, आज कुछ अजीब सी गर्मी थी क्योंकि कल थोड़ी सी बारिश हुई थी। वाह, ये डिज़ाइन किसने बनाया? ये देखो, ये किसने, पापा ने बनाया? अरे भाई, पापा का डिज़ाइन ये देखो। वाह यार, ये स्पेशल करेले की बेल के लिए, ये जो बेल मैंने आपको दिखाई थी। और इसमें मम्मी करेले कितने लगे, बड़े भी हुए कुछ? अरे वाह, ये देखो, ये देखो बहुत सारे हैं नीचे तक, 4-5 है। ये अच्छे से अब इसमें फैल जाएगी, और पापा इसी में फैला रहे हैं। और ये रही मम्मी, हेलो मम्मी। हेलो, फिर कैसा चल रहा है आपका काम? बढ़िया, मेरे बिना तो कोई काम नहीं होते है ना। तो कल यहाँ पर जो है लेंटर पड़ना है, स्लैब पड़ना है ऊपर। हाँ, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से सीढ़ी लगाइए मम्मी ऊपर, 3 कमरों के ऊपर लेंटर पड़ना है कल। तो उसी के चक्कर में हम लोग आए हैं, क्योंकि वैसे तो ठेके वाला काम है, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, बट जिस दिन लेंटर डालते हैं उस दिन खाना वगैरह लेबर के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो वो अपने साथ ले आते हैं जब डेली आते हैं, चाहे मम्मी देते हैं सुबह शाम, बट जैसे फिर लेंटर पड़ता है तो टाइम लग जाता है, और फिर उनको खाना देना पड़ता है, वो भी थक जाते हैं बेचारे सुबह से। तो कल खाना बनाना है। पहले हम सब लोग आने वाले थे, मतलब संडे का पहले लेंटर का हो रहा था, अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा रहता है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ गांव में एक डेथ हो गई थी, जैसा मैंने आपको बताया था, वो निगुलसरी वाले केस में एक लड़का दब गया था, तो उस वजह से 1-2 दिन काम बंद रखा। और अभी ये चालू हुआ है, तो आज है
ट्यूसडे वेडनेसडे को ये लेंटर अब पढ़ना है, तो अब कोई नहीं है। हस्बैंड को भी मैंने मना कर दी क्योंकि शॉप जो है फिर वो बंद हो जाती है, तो वैसे भी खाना ही बनाना है। 25-30-35 मम्मी 35-40 लोग हो जाएंगे हम लोग हमारे समेत, तो बस उनको खाना बनाना है। तो सिस्टर और मैं हैं, बच्चे हैं यहाँ तीनों, और बस अब तैयारी करते हैं। तो अभी बैठी थी, चाय पानी पिया, अब मैं कपड़े चेंज करूँगी और लग जाते हैं अपने कामों में। कहाँ लगी है मक्की? मक्की अभी छोटी मुझे बोल रही है कि मक्की खा लो, ये देखो ये लगी है मक्की। यार मम्मी मम्मी अभी नहीं है ना, ये अभी छोटी है ना, ये देखने में बड़े बड़े हो जाते हैं, अभी कच्ची है ना अंदर से मम्मी। ये देखो और साथ में लगी है इधर राजमा, और ऊपर दिख रहे हैं चंदा मामा। पानी को जा रहे मैं हूँ, ठीक है। अब इसने छोड़ दिया ना मेरे, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ पहले, मेरे को धोने पड़ेगा। मम्मी ये वाला इधर गंदा हो गया, मैं दूध के पैकेट लेकर आई ना और ये इधर लग गया है, ये तो धो के रखना पड़ेगा मुझे। वाह खुद पसर गई है, तो फिर मेरे कुछ खुद पसर गई इस तरीके से, वाह उल्टी, एक पिलो सर के नीचे दूसरा पैरों के नीचे, और मेरे को बोलती है सब चल साथ में। तो सब्जी बनाना मेरे को थोड़ी देर, मैं सुबह से लगी हूँ, तो बैठ जाना मेरे साथ, चलो मैं ऐसे पसरना चाहती हूँ, वही पसर जाइयो किचन में, चल चल आ जा। सुबह से क्या लगी है तू, कहाँ है कपड़े, लंच बनाया, कोई बात नहीं, कपड़े कहाँ है, कपड़े दो मुझे पहले, मेरे को नहीं पता, मम्मी से मांग, मेरे को इनको ना पहनी फिस लेगी, कहाँ देनी है जाए, कैसे हम हेलो कर दो, ठीक है आपसे, कितना काम किया आपने। अच्छा अपनी चाय चाहिए सिर्फ, इनको खुद पीनी थी ना, जोड़ जाओ खड़े देखो रे, हाँ के चक्कर में सबको पिलवा दी, इतनी चाय पीते हैं और दूसरों को भी फिर पिलाते हैं। अभी एक एक मिनट पहले, एक घंटे पहले चाय पी थी, और अभी सबको रोक रखा है कि रुक जाओ मत जाओ थक गए तुम, चाय पी लो दिए। हेलो पानी बॉटल का है, पीना तो पी ले आती हूँ मैं, बोतल दे दो ना, कहाँ है वो फिर सारी मिट्टी वाली, इनको जल्दी लग, इनको जल्दी लगी, और पापा बोले चाहे मम्मी को दे दो चाहे आप मेरे को, मम्मी नहीं पीते दूध। तो सब्जी मैंने बना दी है, कद्दू की सब्जी, ये देखिए प्रेशर कुकर में बनाई है, थोड़ा सा मतलब मैं इसे अच्छे से वो होने दूंगी, मिक्स होने दूंगी और भून लूंगी थोड़ा सा तड़के में, उसके बाद ये तैयार है और मेरी ड्यूटी हो गई ख़त्म। अब सिस्टर की ड्यूटी है, वो गई है अभी नहाने, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं लगा उसे, और शाम के टाइम नहा के ही फ्रेश होते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, और मैं खुद पसीना पसीना हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वाले, ये एक ही रूम है ना साइड में, तो इसमें लेंटर जो है वो तप जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती, फिर यहाँ गैस वगैरह जलती है उस वजह से भी। तो बस अब हम लोग सुबह की तैयारियाँ करेंगे, क्योंकि सुबह आपको मैंने बताया जैसे कि लेंटर डालना है, तो खाना वगैरह बनाना है, तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं। मम्मी बड़ा प्रेशर कुकर वगैरह धो रहे हैं, और दादी इधर से उधर घूम रहे हैं चाबी लेके, कभी इधर कभी उधर, और अब दादी का काम रहता है क्या, जो क्या है अभी डालनी है, छुरी है यहाँ, अब दादी ऐसा काम करते हैं जो भी राशन वगैरह आया होता है ना, तो दादी उसको रखते रहते हैं, जैसे अभी ये डब्बे में डालेंगे और बहुत सारे का। मैं लाती हूँ, बैठ जाओ किधर आ गए, आओ भागो भाई, खुद ही जाएंगे, नहीं ऐसे ही बोलूँगी, ऐ नहीं बोलूँ भाई,
आ गया पापा, सीमेंट कहाँ रखा? अभी और आ गया, रखा क्या? कहाँ रखा आपने सीमेंट? हैं ऊपर? अच्छा अच्छा, इसके नीचे। और ये देखो बैंगन, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, देखिए एक ही, एक दो। ये बैंगन की सब्जी भी बनाई है? अभी तोड़ा नहीं, इतना बड़ा बैंगन देखा दो है। हाँ एक देख लिया मैंने, ये मिर्ची देख। हाँ ये तो मैंने देख ली, दो बैंगन है, एक क्यों है हैं? कहाँ? हाँ वो मैंने देख ली, बहुत अच्छा बनाया आपने, वो जाली जैसे। सीमेंट की गाड़ी आ रही है ना अभी, तो एक गाड़ी आ चुकी है और एक और आ रही है, छोटी गाड़ी में ला रहे हैं, तो वही देखने पापा आगे गए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि जहाँ जगह ना हो ना, यहाँ पर जगह नहीं है, खेत में ये घर बन रहा है, तो रास्ते के साथ आगे खेत था, जितना था टेढ़ा मेढ़ा उसी में मतलब ये बनाया गया है। अगर आसपास आपकी जगह हो ना, तब ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है कि कहाँ सामान रखना है। तो फाइनली ये जो है ये भी कल खाली हो जाएगा, ये पूरा, ये शायद बच गया है इनके पास सरिया, ये पूरी रोड़ी हो गई, गटका जो भी होता है, और ये सारा यहाँ से खाली हो जाएगा, उधर सीमेंट है सारा, फिर ये ग्राउंड हो जाएगा अच्छा सा एक, और क्योंकि मुँह के आगे ग्राउंड ना चाहिए ही होता है। और पापा की प्लानिंग है कि चारों तरफ प्लांट्स लगाएंगे, क्योंकि प्लांट लवर है पापा भी, और आगे उनकी बेटी भी, तो लगाएंगे। अब कल ये खाली हो जाएगा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, मौसम जो है वो मेहरबान रहे, बारिश ना हो कल, क्योंकि बारिश हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऊपर मैं नहीं गई अभी, और मैंने भी नहीं देखा, पापा काफ़ी देर से मुझे बोल रहे थे आ जाओ ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, बट मैं फिर आते ही काम में लग गई थी, मैंने कहा पापा सुबह देख लूँगी, तो सुबह आपको दिखाऊँगी मैं ऊपर। और अभी बस तैयारी वगैरह कर लेते हैं हम लोग, तैयारी मतलब दाल वगैरह भिगो लेते हैं, छोले बनेंगे, और देखती हूँ मैं क्या होगा। और इधर ये ले आए, हाँ बेटा, हाँ बेटे आ रही हूँ, ये गैस बड़ा वाला और पतीला हो गया बड़ा, बड़े बड़े बर्तन सारे निकाल दिए हैं मैंने, कढ़ाई बड़ी वाली। अब बैठ जाते हैं हम लोग, मटर छीलते हैं, अब दादी सारी चीज़ों को अच्छे से रखेंगे, और ये लिफाफा जो चीनी वाला है ना, ये भी दादी फेंकेंगे नहीं, इसको दादी रखेंगे, बोलते हैं कि काम आ जाता है कभी, और सही बात है काम आता है। तो चलिए अब लग जाते हैं कामों में, मटर छीलते हैं। तो मैंने और दादी ने और मम्मी ने बैठकर मटर छील लिए थे, और सिस्टर जो है वो साथ के साथ बना रही है चपातियाँ, तो मटर हमने छील कर साइड में रख दिए हैं, और अब मम्मी जो है वो गरी को कट कर रहे हैं, सुबह के लिए जो भोग लगेगा उसमें गरी लगेगी। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, मतलब सुबह एकदम से ना करने पड़े, इसीलिए ये शाम को करके रखते हैं। लहसुन वगैरह भी हम सोच रहे थे छील लें, बट फिर हम लोगों को टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे काम थे, तो उन्हीं में हम लोग बिज़ी हो गए थे। और यहाँ सिस्टर कुछ बोल रही थी, ओरिजिनल वॉइस मैंने बंद कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पर हो रहा है। तो ये लोग खाना खा रहे हैं, और हम लोगों ने भी नहीं खाया, चटनी बना रहे थे बच्चों को और पापा को पहले दे दिया। और दादी जो हैं वो अभी अपने कपड़ों में लगी हैं, कपड़ों को वो कर रही हैं, मतलब तय कर रही हैं, तो बच्चे खाना खा रहे हैं और नानू के साथ खूब मस्ती करते हैं, नानू खूब बिजी रखते हैं बच्चों को। तू भी खा ले, अब हैंड वॉश कर ले, मुझे भी दे दे, छोटी बॉटल लानी थी बेटा। मम्मी नालू से पानी लेकर आते हैं ना ठंडा ठंडा, फिर उसको यहाँ बाहर रख देते हैं छाँव में, फिर वो गर्म नहीं होता, और क्योंकि फ्रिज का पानी ये लोग नहीं पीते हैं। तो मैं थोड़ी देर बाहर आई थी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अंदर। तो अब खाएंगे हम लोग खाना, और सब्जी अच्छी बनी है, मिर्ची नहीं है, नहीं तो पापा को बहुत ज़्यादा मिर्ची नमक लगता है, पापा को पसंद आई, और दोनों बच्चों की फेवरेट है लावण्या और दीदी की। मेरे को भी दे दे पानी पीने को।
तो खाना पीना सब हो चुका है और मैं धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि ये देखिए दादी सो गई हैं और इधर बच्चे भी सो गए हैं। तो हम लोग ना अभी किचन में थोड़ा सा काम कर रहे थे, मतलब मैंने आपको बताया था सुबह की तैयारी वगैरह कर रहे थे और सारा सामान वगैरह भी फ्रिज में रखा। बाकी थोड़ी देर बाहर पापा के साथ बैठे थे, मैंने बताया था आपको कि गाड़ी आने वाली है सीमेंट की, तो वो आई अभी और मैंने अपना फेस वॉश किया था, अभी चिपचिप हो गई थी। तो लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि दादी को नींद आ गई है। वैसे दादी सो जाते हैं, ऐसा नहीं रहता कि लाइट बंद करो या कुछ। तो मम्मी वगैरह जो हैं वो उस तरफ सो गए हैं, मम्मी पापा और सिस्टर दिवेन और मैं और मेरे बच्चे इधर सो गए हैं दादी के साथ। इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू अच्छे से व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।